अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं नलतर। आज डेट है 22 अक्टूबर। बहुत लेवल मौसम है, फुल कर दें, फुल फुल ठंड हो रही है एक ग्लेशियर की वजह से। जो विंडो से व्यू है, अमेजिंग व्यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज शुरू हो रहा है हमारा एपिसोड 2 कराकरम सीरीज का। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट व्लॉग फर्स्ट एपिसोड लाजमी देखा होगा। तो आप सबको पता है मैंने फर्स्ट व्लॉग जो है अपना नांगा पर्वत व्यू पॉइंट पे एंड किया था। तो आज हमारा शुरू हो रहा है जी नलतर वैली का रास्ता। ये हम गिलगित के बाहर बाहर से गुजर रहे हैं, क्योंकि गिलगित सिटी में अगर इंटर होते तो बहुत ज़्यादा रश मिलना था हमें, टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसलिए हम बाईपास रोड जो है सीधा हंजा की तरफ जाता है, वहाँ से हम सीधा पहुँच चुके हैं नॉर्मल। नॉर्मल जो है वो लास्ट विलेज है गिलगित बल्तिस्तान और नलतर वैली के दरमियान में। और गिलगित बल्तिस्तान से नलतर का रास्ता तकरीबन 35 किलोमीटर है। तो यहाँ से हम करवाते हैं टैंक फुल और अपना आगे का सफ़र जो है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए अल्लाह के नाम के साथ अपना सफ़र का आगाज करते हैं। सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। सो गाइज, इस टाइम हम नलतर वैली के रास्ते पर रवा हो चुके हैं। और अभी पीछे आर्मी की एक चेक पोस्ट आई थी, तो उन्होंने हमें वीडियो अपलोड करना अलाउ नहीं किया, इसलिए मैं वहां से जो सारा रास्ता है वो क्रॉप कर रहा हूं, वो आपको नहीं दिखा रहा। नलतर वैली के बारे में आपको बताता चलूं, गिलगित से तकरीबन 35 किलोमीटर्स का रास्ता है नलतर वैली का। पहले तकरीबन 1 साल पहले ये टोटली ऑफ रोड था, बट इस साल आर्मी ने जो है यहाँ पे रोड बना दी है। नलतर वैली तक जो है वो कारपेटेड रोड बना हुआ है, जिस तरह का आप वीडियो में देख रहे हैं। तो चले आगे चलते हैं, साथ आपको ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं नलतर वैली के मज़े के। नलतर वैली की जो हाइट है सी लेवल से वो तकरीबन 10,000 फीट है, और यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो है वो माइनस में रहता है। मतलब गर्मियों में भी यहाँ पे रात के टाइम टेम्परेचर जो है वो -2 -3 डिग्री होता है। दोस्तों, नलतर वैली के लोगों के बारे में आपको बताता चलूँ, तो यहाँ के लोग बहुत ही मेहमान नवाज और हॉस्पिटैलिटी इनकी बहुत अच्छी है। हेल्पफुल लोग हैं, आपकी हर तरह से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, हमदर्द लोग हैं और ख्याल भी करते हैं। गाड़ी वाले को देखिए आप कैसे ये अन्नेवाही आ रहा था, इसने कट कराई मुझे बड़ी मुश्किल। मेरा जो बैग पे सामान बंधा हुआ था वो इस गाड़ी वाले को लगते लगते बचा, वरना मेरा तो कुछ नहीं जाना था, इस गाड़ी वाले की गाड़ी छिली जानी थी। खैर, ऐसे रोड्स पे आपने अपनी सेफ्टी खुद करनी होती है, क्योंकि ये गाड़ी वाले जो होते हैं ना, ये अन्ने ही होते हैं एक किस्म के, तो हमने अपने आप को खुद बचाना होता है। नलतर वैली यार एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ पे आप एक दफ़ा आएंगे ना तो आपका बार बार आने को दिल करेगा। ये इतनी खूबसूरत वैली है कि मैं बयान नहीं कर सकता, आप वीडियो में देख सकते हैं। शाम का टाइम हो रहा है और कैसे आसमान, सूरज, बादल, दरख्त, पहाड़, हर नेचर की चीज़ इस वीडियो में आपको एक क्लिप में नज़र आ रही है। तो आँखें जो हैं वो आप कह लें ठंडी हो जाती हैं ऐसे व्यूज़ देख के, मज़ा आ जाता है। आगे आगे जाके देखिए आपको कैसा कैसा व्यू नज़र आएगा, दिखाते हैं आपको। अच्छा गाइज, इस टाइम हम ऑलमोस्ट नलतर वैली पहुंचने वाले हैं। 1-2 किलोमीटर का रास्ता रह गया है और स्टीप चढ़ाइयाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। रोड बन चुका है, लेकिन इस रोड पे एहतियात बहुत ज़रूरी है। आप देखें कैसे ये मेरी बाइक जो है स्टीप, वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, ऊपर चढ़ रही है, पहले दूसरे गियर में मेरी बाइक ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर पे वापसी पे, जब चढ़ाई जो है उतराई में बदल जाती है। जब आप नीचे उतरते हैं
तो आपकी जो बाइक है या गाड़ी है वो उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और इस रोड पे हादसात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो जब भी आप आएँ एहतियात से तसल्ली के साथ गाड़ी चलाएं। दोस्तों नलतर वैली हम पहुंच चुके हैं और नलतर वैली में मोस्टली आर्मी के गेस्ट हाउसेज हैं, क्योंकि ये आर्मी एरिया है और यहाँ पर आर्मी के मैस गेस्ट हाउसेज बहुत ज़्यादा हैं। सर्दियों में यहाँ पर स्नो स्केटिंग होती है, जो बहुत मज़ेदार किस्म का एक इवेंट है। तो जब आप सर्दियों में आएँ, मज़े की बात यह है कि सर्दियों में भी नलतर वैली सारा साल ओपन होता है, आप इजीली 4x4 जीप पे यहाँ पे आ सकते हैं और आके स्नो स्केटिंग भी इंजॉय कर सकते हैं सर्दियों में। तो अभी हम नलतर वैली पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम ज़ीरो पॉइंट की तरफ जाएंगे। अपना होटल और रूम हमने बुक करवाया हुआ है ज़ीरो पॉइंट पे, तो चलें ज़ीरो पॉइंट पे पहुँचते हैं। ये हम ज़ीरो पॉइंट पे पहुँच चुके हैं और आपको अपना रूम विज़िट करवाते हैं। इस टाइम हम मौजूद हैं नलतर वैली में और इस टाइम ऑलमोस्ट टेम्परेचर हो रहा है -5, डेट है 22 अक्टूबर। बहुत लेवल मौसम है, अभी फुल ठंड हो रही है। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये हमने रूम लिया है, जो विंडो से व्यू है अमेजिंग व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, यहाँ से व्यू देखें, वो सामने चांद आप देख सकते हैं, और अभी मगरिब हो चुकी है, अभी कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। दोस्तों ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है, इस टाइम मगरिब हो चुकी है, और आए आपको रूम का विज़िट करवाता हूँ और साथ आपको रूम्स की विंडो से बाहर का व्यू भी चेक करवाता हूँ। ये बेडरूम लिया है, ये देखिए जी, इसमें हम रात गुजारेंगे। और ये व्यू, ये वाला व्यू तो बहुत कमाल का है ना, विंडो से निकलते साथ ग्लेशियर की वजह से एक नई झील बनी है नलतर में ही, उस झील पे भी जाएंगे जिसको शीशा झील कहते हैं, और वहाँ जाके इंशाल्लाह हम उड़ाएंगे ड्रोन और अमेजिंग व्यूज लेके आपको दिखाएंगे। मज़ेदार किस्म की चाय पी के इंशाल्लाह कल सुबह जो है हम झील की तरफ निकलेंगे और देन आपको अच्छे अच्छे झील के ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे। उम्मीद है मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये हमारे अजमल भाई जिन्होंने ज़बरदस्त किस्म की धुआं आप चेक कर सकते हैं कढ़ाई बनाई है, चिकन और आलू साथ डाले हैं, और माशाल्लाह ताज़ा ताज़ा रोटियां, सलाद। और ये हमारे अजमल भाई, हेलो करते हैं भाई जान। हेलो, अभी खा के देखते हैं कैसा टेस्ट है, देखने में तो मुंह में पानी आ रहा है, भूख भी बड़ी लगी हुई है। नलतर में भाई का माशाल्लाह हिल टॉप रिजोर्ट है, और किचन वगैरह जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, तो आप सब भी विज़िट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी सर्विसेज हैं। खाना बहुत अच्छा लग रहा है, शक्ल से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं आपको अपने कैमरे से व्यू दिखाता हूँ, ये देखिए। चारों तरफ जो है वो नलतर के जो पहाड़ियाँ हैं वो ऑलमोस्ट स्नो कवर्ड हो चुकी हुई हैं, और वो सामने ये नलतर वैली के घर हैं। ये वाला रूम लिया था, और यहाँ पे ऐसी मोबाइल प्लेस पे भी आप यकीन करें हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है इनके पास, गर्म पानी 24 आवर्स, और इवन हीटर्स, हर चीज़, अच्छा खाना, हर चीज़ अवेलेबल है। तो जब भी आप नलतर विज़िट करें तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। ये देखें जी, पहाड़ों की चोटियाँ इस टाइम देखी हुई हैं। रात को जब हम लोग पहुँचे थे उस टाइम भी चोटियों पे बर्फ़ थी, लेकिन इतनी नहीं थी। ये वाली जो स्नो है ना, ये अभी सुबह में हुई है, आप देख रहे हैं मौसम बना हुआ है। मेरे ख्याल से इस जगह पे स्नो हो भी रही है, ये जगह पे।
अभी हम झीलों की तरफ जाएंगे, झीलों का व्यू दिखाएंगे, बहुत ज़बरदस्त व्यू आने वाला है। तो बहुत शुक्रिया, देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि जब आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोज़ को लाइक शेयर करेंगे, तो ओबियसली हमें अप्रिसिएशन महसूस होगी और ओबियसली आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना के लेके आएंगे। बहुत शुक्रिया।